हम जा रहे हैं आज चिराला बीच दोबारा से, बट दिस टाइम विद पापा मम्मी। पापा तो दिख नहीं रहे, मम्मी के हाँ देख रहे हैं। पापा मम्मी जी कितने टाइम के बाद जा रहे हो बीच? हम यहाँ चिराला तो पहली बार जा रहे हैं, और बाकी बीच पे गए तो बहुत साल हो गए हैं। कौन से उसमें गए थे याद है? हाँ गोवा, हर्ष दस दस ग्यारह बारह साल पहले। अरे नहीं, 10-11 साल तो अपने को चंडीगढ़ आए हुए होगे बेटा। चलो बढ़िया, लेके चलते हैं चिराला बीच। अभी हम चढ़ पड़े आउटरिंग रोड के ऊपर। निकल गया इसका यार, क्या हुआ? हाँ, ये वो कैप होती है इधर, लगाई नहीं उसने यार। मुझे नहीं लगता उसने लगाई है कैप, तो सारा निकला पड़ा इधर। ये इसी से तो निकला है, ये देखो सारी गाड़ी वो ही पड़ी है। नहीं तो करो ये देखेंगे अगर। हाँ वापस चलाएं जाएगा ना, धीरे धीरे चलेंगे अपन। इसका तो कुछ करील भाई, ये मैं अभी गाड़ी लेके चला, गाड़ी में से धुआं निकल रहा था। ये देखो इंजन कैप, सारा इंजन का ये निकला हुआ है बाहर। अब मुझे नहीं पता मैं कैसे घर पे वापस आऊँगा, ये सारा निकला हुआ है देखो इधर। अब मुझे नहीं पता ये कैसे ये गाइस, एक छोटा सा ब्लंडर हो गया। गाड़ी सर्विसिंग कराई थी मैंने अभी दो दिन पहले, एंड प्रॉब्लम ये हुई कि जो गाड़ी थी उसके अंदर जो कैप होती है इंजन कैप, वो ही भाई ने नहीं लगाई थी। तो ये जो है इंजन कैप, ये नहीं लगी हुई, सो उसकी वजह से सारा का सारा जितना भी इंजन ऑयल था वो सब बाहर निकला। एंड अभी हम एसके मोटर्स में हैं। सुबह 5:30 बजे कॉल किया हमने सर को, आई वो, एंड अभी फ़िलहाल इंजन ऑयल भी डलेगा एंड इंजन कैप भी डलेगी। सो गाइस नेक्स्ट टाइम जब भी सर्विसिंग कराओ एक बार बोनेट खोल कर ज़रूर देख लो कि क्या है क्या नहीं, और लंबे रास्ते जाने से पहले तो ज़रूर एक बार डबल चेक कर लो कि कैप है कि नहीं, सबसे बड़ी बात। नहीं तो फिर ऐसे बैठोगे वेट करते हुए। 9-0-2-1 नाम हिमांशु। सो गाइस अभी अभी इस बेलेनो से ऑयल कैप उधार लिए, प्रॉपर फिटिंग नहीं थी तो थोड़ा सा कट करके एक बार डाला है, लेकिन वही जो थ्रेड्स होते हैं वो बिल्कुल सेम थे इसलिए प्रॉपरली चल गए। बट ये है एसके मोटर्स जिन्होंने हेल्प करी अभी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। काफ़ी एक एडवेंचर के बाद फाइनली हम यहाँ पर डैम पर पहुँचे। डैम का नाम क्या है पता नहीं, पिताजी अपने अपने शब्दों के अंदर विवरण कीजिए आज के एडवेंचर को। एडवेंचर को हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्घटना? नहीं दुर्घटना नहीं, वो एक्सीडेंट होती है। एडवेंचर को बोलते हैं, एडवेंचर होते हैं। दादाजी टाट मारेंगे सब भगवानों के नाम लेके चले और बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा। बच गए हम काफी, बचा रास्ते में। हाँ एक छोटी सी
गाड़ी की टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, पता लगी वो इसने डिटेक्ट करी, इसको सुगंध आ गई सुगंध आई तो रोक के चेक करी तो हम सेफ रहे। वो ये आई थी कि जब मैंने परसों सर्विसिंग कराई तो वो जो इंजन कैप था वही लगाना भूल गए थे और उसकी वजह से सारा इंजन ऑयल बाहर निकल गया था। सिर्फ इतना बचा था अगर हम 50 किलोमीटर मतलब थोड़ा सा और आगे जाते तो इंजन सीज हो जाता और गाड़ी वहीं पर ही ठप। तो सही टाइम पर डिटेक्ट हो गया, वहीं पर ही हमने कॉल किया सुबह 5:30 कॉल किया और वो बंदा सो रहा था। उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, बंदा गाड़ी लेके आया और उसी वक्त हमारी गाड़ी की फैक्ट्री भी खत्म हो गई। तो थैंकफुली उसके पास जंपर भी था तो उसने जंपर से स्टार्ट करी गाड़ी और फिर हम उसके वर्कशॉप पे गए। उसने बलेनो की जो कैप है वो लगाई और अभी आते आते जो लेवल चेक करने वाला था वो भी टूट गया तो वो भी अभी रास्ते में चेंज कराया था, हमने उसको ठीक कराया था। बट ऑल इन ऑल अभी के लिए बिल्कुल ठीक है, एक बार के लिए तो लगा के वापस जाना पड़ेगा लेकिन ठीक पहुँच गए। मम्मी आपका कुछ? कृष्णा रिवर पर रुके हुए हैं, बांध पटना पार डैम दिखा दिया यहाँ पर पानी इतना सारा है, नीचे देखो तो डर लगता है, चक्कर आते हैं ऐसे। ये भी हिल रहा है ना, ये हिल रहा, गाड़ियाँ जाते तो ये हिल रहा है नीचे। हाँ जी मैडम, क्या बाबर अपना स्टाइल है, पापा के शूज नए मिट्टी में हो गए सारे यार, कोई नहीं साफ हो जाएंगे। बार बार तेरे वन बाय वन। तुम्हारी नाक में क्या है? मेरी नाक में आइसक्रीम है, खा लो फिर तो यू करो वनीला का टेस्ट आएगा। आज भी वही हुआ जो लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम भी हम आके सो गए थे क्योंकि इस बार अभी हमें 10 घंटे लग गए पहुंचने में, रुकते रुकते और सेकेंडरी गाड़ी भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। सब जाएंगे नीचे खाना वाना देखते खा के आएंगे, पापा मम्मी अभी नीचे ही हैं, सो लेट्स सी कि कैसा है खाना, क्या है, क्या क्या मिलता है, देखते हैं। ओके दिस इज़ बिरयानी, वेज बिरयानी, मस्त लग रही है, करी एंड रायता, कचौरी। कैसा लगा आपका? बहुत अच्छा, खाना बहुत टेस्टी है। नींद आई थोड़ी? ठीक, बस 3 ही घंटे। हमें तो भैया बहुत कसती नहीं रहे, बस अभी अभी बिरयानी खाकर थोड़ा सा वॉक पे निकले। हेलो पापा,
कैसी रही बिरयानी? अरे और हमारी खोज है। हाँ नहीं, बहुत टेस्टी था। लास्ट टाइम हमने कोई वो डिनर नहीं किया था, तो हो सकता हम बुक भी करा देते हैं अपने आप। बहुत बढ़िया। रिजॉर्ट कैसा है? रिजॉर्ट अभी देखो ऊपर बिल्कुल सही चांद चमक रहा है। आएंगे आएंगे बिल्कुल, ठीक है डन। और अभी हम थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर बहुत ही प्यारी हल्की हल्की वैसे लास्ट टाइम की तरह आवाज़ आ रही है समुंदर की। अगेन रात बहुत है इस वजह से हम जाएंगे नहीं उस तरफ, वहाँ जाएंगे सुबह सुबह। ओके सो इस बार इन्होंने कुछ लाइट्स का इंतज़ाम किया हुआ है इस तरफ, लास्ट टाइम कुछ भी नहीं था। इस बार लाइट्स और बहुत तेज़ हवा और आवाज़ आ रही है। अभी हम चल रहे हैं मिट्टी के ऊपर। हाँ और वहाँ पर लोग कुछ बॉनफायर कर रहे हैं। नहीं इधर नहीं है, आगे मिलेंगे। ओके वो देखो डॉगी। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं, बट चलो यहाँ पर रुक जाते हैं फिर। अब रात को नहीं इनको केकड़े खाते हुए? नहीं अब मेरे ख्याल से यहाँ पर कर दिया होगा इंतजाम कुछ। ओ केकड़े वैसे भी आग से थोड़ा डरते हैं। सो गाइस अभी लाइट चली गई एकदम से, कैमरे में आ रही है तो। बट यहाँ पर लाइट जलाना। हाँ थोड़ा फेस के ऊपर ले आओ। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर अभी हम घूमने आ गए, जो पहले नहीं दिख रहा था कुछ लास्ट टाइम जब आए थे। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ नई अरेंजमेंट्स करी हैं और बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी वो चांदनी रात हुई हुई है। हल्की हल्की लाइट सभी आ रही है, बट अच्छा हो गया हम बाहर आ गए क्योंकि बहुत प्यारी हवा चल रही है और बहुत हल्की हल्की आवाज़ भी आ रही है वेव्स की, बहुत प्यारी। अब फाइनल गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट ऑन द बैंक ऑफ चिराला सी, चिराला बीच। उसके बाद ये फिर ओशियन है आगे।